नाश्ते पे फिर बीच में, इससे ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे इस चैनल रचना गुप्ता ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि ये सर्दियाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही होंगी। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सर्दियों में काम आने वाले कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे से टिप्स, जिससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा बेहतर। जिसमें से मेरी पहली टिप्स ये है, जो कि आप देख ही रहे हैं, कि अगर आप रात को अपनी किचन और बर्तन अच्छे से साफ़ कर सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपका दिमाग ना तो परेशान होगा और ना ही ख़राब होगा, क्योंकि हमारे सारे के सारे बर्तन मच चुके होंगे। हमारी आज की दूसरी टिप ये है कि जब भी हम सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं तो अक्सर ये होता है कि नाश्ता तैयार करने में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि हम सब्जियां अलग बर्तन में काटते हैं, फिर उनको हम फ्राई अलग बर्तन में करते हैं। तो इसकी बजाय आपको क्या करना है कि आपको जिस भी बर्तन में ना नाश्ता बनाना है उसी बर्तन में आप ना सब्जियों को काट लें, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। और फिर उन सारी की सारी सब्जियों को ना ऐसे साइड में एक गोला सा खाली कर लें, जिसमें आप ना ऑयल और जो भी चीज़ ना मतलब छौंका लगाना है, जैसे कि राई है, जीरा है, जो कुछ भी है, उसको ना बीच में आप डाल के और इसको ना गैस पे चढ़ा के बीच में ऑयल डालकर तड़का मार सकते हैं इजीली, जिससे कि ना क्या होगा ना कि आपके ना ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, क्योंकि सर्दियों में ना ठंडे पानी से बर्तन साफ़ करने में बार बार हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और हमको हो जाती है सर्दी, और हम लेडीज़ लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। तो आप इस ट्रिक को आजमा करना, कम से कम बर्तन सर्दियों में यूज़ करेंगे और हमारा खाना भी बन जाएगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस वाले ट्रिक को ना पूरी सर्दियों में ऐसे ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा कम बर्तन होते हैं सर्दियों में मांजने के लिए। तो इस टिप को भी आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दोनों टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी और इन सर्दियों में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद भी करने वाली हैं। इस वीडियो में आगे और भी तीन बहुत ही ज़्यादा काम की टिप्स हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को सर्दियों में बना देंगी बहुत ही ज़्यादा आसान। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप उन टिप्स को मिस ना करें, और आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें। मेरी आज की अगली और तीसरी टिप ये है कि जब भी हम सर्दियों में ना कपड़े धोने के लिए जाते हैं तो टंकी में इतना ज़्यादा ठंडा पानी आता है कि ना तो उसमें सर्फ में अच्छे से झाग बन पाते हैं और ना ही हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ़ हो पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ना आपके घर में गर्म पानी की जो भी व्यवस्था हो, जैसे कि गीज़र हो या फिर आप गैस पे पानी गर्म करते हो, या फिर जिस भी तरीके से बहुत से लोग इमर्सन रॉड वगैरह से भी पानी गर्म करते हैं, तो आप जिस भी तरीके से ना पानी गर्म करते हैं, मैं तो अपने घर में गैस वाले गीज़र से ही पानी गर्म करती हूँ, तो आपको ना अपनी वॉशिंग मशीन में ना गर्म पानी ऐड करना है और इसी में ना सर्फ डालना है, तो सर्फ़ के वो जो झाग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और कपड़े बहुत ही ज़्यादा आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही कम सर्फ में आप बहुत ही ज़्यादा कपड़ों को धो लेंगे, जिससे कि हमारा ना सर्फ भी बचेगा, वरना क्या होता है कि सर्दियों में ना ठंडे पानी की वजह से सर्फ ज़्यादा यूज़ होता है और कपड़े भी ठीक से साफ़ नहीं हो पाते। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इन सर्दियों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक भी बना देगी आपकी इन सर्दियों को। तो अगर ये टिप भी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी आगे वाली टिप की तरफ, और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में गैस वाला गीज़र है तो पानी गर्म करने के बाद गैस को ज़रूर बंद कर दें, वरना सिलेंडर फटने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि अपनी देखभाल भी हमको खुद ही करनी है और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान भी हमको खुद ही रखना है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अपनी चौथी टिप को। आज की अगली टिप और चौथे नंबर की टिप ये है कि सर्दियों में ना मटर बहुत ही ज़्यादा सस्ती आती हैं कंपेरिजन टू गर्मियों के। तो जब भी सर्दियों में आप ना फ्री हों तो आप इकट्ठी मटर ले लीजिए, और इन मटर को ना छील कर और आप अच्छे से स्टोर करके रख सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो हलवाई लोग होते हैं वो सफल मटर के नाम से जो मटर बेचते हैं, जो कि हमको मार्केट से ख़रीद कर लानी पड़ती है, वो यही वाली मटर होती हैं। बस वो ना इन वाली मटर को छील कर ना फ्रीज़र में स्टोर करके रख लेते हैं। तो हम क्यों मार्केट से इतनी महंगी मटर लेकर आएँ, इससे अच्छा है कि हम घर में खुद ही इनको स्टोर कर लें। तो मैं क्या करती हूँ कि हर सर्दी में ना 5 से 10 किलो मटर छील कर और अपने फ्रीज़र
फ्रीज़र में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो आप भी जब भी फ्री हो तभी मटर को छील लीजिए और आराम से काम करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं तो टीवी देखते हुए भी इन मटर्स को छील लेती हूँ जब भी फ्री होती हूँ, और फिर इन सारी की सारी मटर को ना छील के इकट्ठा करके अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ। और फिर ये मटर पूरे साल मेरे काम आती हैं और हर रेसिपी में डालने के बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टिप है ये। तो मुझे ये टिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पर्सनली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं इस टिप को शेयर कर दूं। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये टिप ना आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। क्योंकि जब हम बिना सीज़न के मटर को ख़रीदते हैं ना, तो मटर बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इन सर्दियों में आप भी मेरी तरह ना इन मटर को ऐसे ही छील के और फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए, यकीन मानिए बहुत सारे पैसे बचेंगे आपके और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। और मेरी आज की लास्ट टिप ये है कि जब भी आपको सुबह सुबह नाश्ते के लिए या फिर बच्चों के लंच के लिए कुछ भी प्रिपेयर करना हो, तो इसकी प्रिपरेशन ना एक दिन पहले ही करके रख लो। जैसे कि मैं आज मैक्रोनी बनाने वाली हूँ, तो ये मैक्रोनी ना मैंने कल रात को ही उबाल के रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ना सर्दियों में उठने में अक्सर हमको ना देर हो जाती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो सर्दियों में रजाई से निकलने का मन नहीं करता। तो मैं ना जो भी चीज़ें मेरे को सुबह नाश्ते में बनानी होती हैं, अगर उसको उबालना है, जैसे कि रमास है, चना है, मैक्रोनी है, इस तरीके की जो मालने वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप ना एक रात पहले ही उबाल के रख दो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम होगा। जिससे कि जब बच्चे ना सुबह सुबह स्कूल जाएंगे, तो आपको ना उनको टिफ़िन बनाने में और उस जो भी नाश्ते में आपको बच्चों को बना के रखना है या फिर अपने नाश्ते को तैयार करना है, उसमें ना आपका समय भी बच जाएगा और आपको ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और आपके समय और पैसे दोनों ही बचेंगे। क्योंकि जब आप एक रात पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर देंगे, तो आप सुबह ना थोड़ा देर तक सो पाएंगे और आपको ना सुबह सुबह उठ के जो हड़बड़ी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमारी गैस की भी बचत होती है, क्योंकि हम ना एक साथ ही कई सारे काम कर लेते हैं, तो इससे हमारी गैस की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लाइक